दोस्तों नमस्कार, पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की क्षत्रियों पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ये क्षत्रियों का एक समूह है और ये यहाँ पर पार्क है और सन 1817 में जियाजीराव सिंधिया की याद में सबसे पहली छतरी का निर्माण हुआ। यहाँ पर मुगलों के बाद मराठा राजवंश के सिंधिया शासकों ने ग्वालियर पर कई वर्षों तक शासन किया और उन्हीं में से यहाँ पर कुछ जो राजवंशी लोग थे उनमें सियाजीराव सिंधिया की छतरी, दौलतराव सिंधिया की छतरी और जनकोजी राव सिंधिया की छतरियाँ महत्वपूर्ण हैं। और ये बहुत ही सुंदर गार्डन यहाँ का, यहाँ पर आप कुछ पल बहुत ही शांतिपूर्वक बिता सकते हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। देखिए पेड़ों की किस तरीके से सुंदर कटाई छटाई की गई है और वेल मेंटेन गार्डन। ये पूर्व संगमरमर से बनी हुई छतरी है और सिंधिया जो छतरी हैं वो मध्ययुगीन हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये पत्थर से बनी हुई छतरी। ग्वालियर में इन छतरियों का एक आकर्षण का केंद्र है और ये मध्ययुगीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे बड़ी छतरी यही है। यहाँ पर दिन भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ का जो टिकट है वो 30 रुपये का है और रात 9 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, सुंदर वातावरण यहाँ का और इस सुंदर कारीगरी ये नक्काशी और ये दो हाथी इस छतरी के सामने उनका बना हुआ एक सिंबल। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और देखिए सुंदर गार्डन। तो वैसे तो सिंधिया राज परिवार की छतरियाँ शिवपुरी में भी हैं, लेकिन एक श्रृंखला इन छतरियों की ग्वालियर में भी पाई जाती है। ये छतरियाँ कटोरा ताल के सामने स्थित हैं और पास में ही प्राचीन एमएलबी कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज भी है और ये शहर का एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण भरा माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत आनंदमय यहाँ का वातावरण छतरियों का। पर्यटक आते जाते हुए थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।